मुंबई में टाइम्स नाउ के रिपोर्टर उनके दोस्त पर जानलेवा हमला। मुंबई में अंग्रेजी समाचार जर्नल नाउ टाइम में कार्यरत एक पत्रकार पर कथित तौर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला हुआ था। पत्रकार हरमन गोम्स के मुताबिक शनिवार देर रात लगभग 1:30 बजे ग्राम देवी पुलिस इनके पास चार अज्ञात हमलावरों ने उन पर और उनके दोस्त पर हमला किया। हरमन ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर उसके ऊपर हुए हमलों की तस्वीर शेयर की। पत्रकार उनके दोस्त पर चार अज्ञात हमलावरों ने मुंबई स्थित गांव देवी पुलिस इनके रात करीब 1:30 बजे हमला किया था। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। पत्रकार का आरोप है कि वे हमारे घर के पास हमारा इंतजार कर रहे थे, वे मेरे दोस्त का फोन भी छीन कर ले गए। पत्रकार ने कहा कि चार लोगों ने उठकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं मुझे अपनी दाहिनी आंख पर 6 टाके लगवाने पड़े। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वे लोग काफ़ी समय से मेरा इंतजार कर रहे थे। वो आखिरी मिनट में उत्तेजना का मामला नहीं था, वे हमले के लिए तैयार पहले से थे। उन्होंने मेरे दोस्त को भी मारा और उनका मोबाइल छीन लिया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इसकी जांच चल रही है। हमलावरों ने पत्रकार को इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि पत्रकार की दाई आंख पूरी तरह से सूज गई है और आंख से देखने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि भारत में पिछले कई सालों में पत्रकारों पर हमले होने के काफी मामले सामने आए हैं। मतलब आप देख सकते हैं जो हालत की है, मेरे जैकेट भी ऑन दी आई और ये लोग पहले से खड़े थे वहाँ पे। ये कोई इट्स नॉट लास्ट मिनट, दे वर ऑलवेज स्टैंडिंग देयर, दे वर रेडी फॉर मोटरसाइकिल। आई कुड नॉट हैंडल इट एंड मेरे आंख आप देख सकते हैं, मतलब 6 स्टिचेस हैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आई वाज ब्लीडिंग, माय फ्रेंड इज आल्सो ब्लीडिंग। उसका एक्चुअली जो है उनका फोन भी लेके चले गए ये लोग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम बट आई फेल ऑन द ग्राउंड। There are stitches here, but there were 4 people behind me. In fact, they also attacked him. We didn't know what happened. थोड़े मिनट के बाद जब हम चल के आए यहाँ पे गामदेवी पुलिस स्टेशन, it was very surprising. In fact, जब पुलिस स्टेशन वाले जो थे यहाँ पे बंदे, उन्होंने पूछा आपके पास कोई एविडेंस है क्या? This is not my job. This is their job. They should find out what is the evidence. Now the FIR is being filed. You can see I have 6 stitches here on my eye. But yes, this is something right from the start that people were. पहले से मौजूद थे वहां पे, ये कोई लास्ट मिनट का कोई यू नो इट्स नॉट अ लास्ट मिनट प्रोवोकेशन दैट हैज हैपेंड। दे वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट, दे वर वेटिंग फॉर इट टू हैपन एंड लेट्स सी व्हेन द लास्ट अरेस्ट हैपेंड। थैंक यू। फिर भी वो चार लोग कौन थे, ऐसा कोई अंदाजा नहीं हमें, कोई अंदाजा नहीं है। पहले से वहीं पे खड़े थे, लेकिन हाँ, दीज आर ऑल यंगस्टर्स, दीज आर नॉट सीनियर सिटीजंस, दीज आर ऑल यंगस्टर्स हु आर रेडी टू बी देयर टू बी यू नो। इन फैक्ट आई हैव गॉट दिस लिप, बट मतलब ताजुब की ये बात है, मतलब अगर ये लोग मतलब मारने के लिए आए थे, मतलब उसका फोन क्यों लेके गए? यू नो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। ऑल्सो एट द सेम टाइम आई कवर लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम क्राइम इन मुंबई, यू नो सम ऑफ यू नो दिस थिंग राइट। व्हाई वर दे डूइंग दिस आई डोंट नो। एंड राइट, ये मतलब मेरे घर के ऑपोजिट ही खड़े थे, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बांद्रा से निकले थे, वहां से बीच में कुछ रास्ते में कुछ दरार नहीं थी। हम लोग जब नाना चौक में पहुंचे कुछ दरार नहीं थी। द मिनट आई रीच एंड आई वाज अबाउट टू क्रॉस माय यू नो क्रॉस माय होम, दे वर रेडी देयर टू आई डोंट नो किल मी और व्हाट, बट दे ट्राई टू डू मैक्सिमम डैमेज टू माय आईज। इफ यू सी दिस इज व्हाट एंड दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू। परवन, ये कितने बजे इंसिडेंट हुआ था? हां, तो हम लोग यहां पे आई रीच अराउंड 1:30 AM, सो बिटवीन 1:30 AM टू 2:30 AM। लेकिन रश्मि करंदी का जो अपनी पोर्ट जोन की DCP है, वो पहले आ चुके थे, लेकिन यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने पहले आपके पास क्या प्रूफ है? आई वॉज ब्लीडिंग, ये एक्चुअली मेरे हाथ में है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। आई हैड ब्लड ऑन ऑल माय हैंड्स, इनफैक्ट दीज आर द वुंड्स इफ यू सी, मेरे पास मोटर है, ये हैड ब्लड एंड आपके पास प्रूफ क्या है? एंड दैट इज क्वाइट शॉर्ट। थैंक यू सो मच, आई डोंट टॉक टू यू। थैंक यू।